come with them. There's someone who has come to know next door not there. And 75% attendance check, 25% easily in the higher industry. Yeah, what are you hard for your family? Come on, what after using everything, then you come and say, take care of it. Sab kuch use kar lo, uske baad bolo aapke bimar ho. Jitna session mein karna hai, sab kar liya. Uske baad bimar ho sakte hai, nahi. हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. जब भी मैं ब्लॉग करती हूँ मेरे आसपास के लोग मुझे देखते हैं, बट दैट्स ओके. आज है कुलदीप का बर्थडे, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने. हाय गाइस, और ये देखो ये जो डेकोरेशन हो रखी है ना, वो फिल्म फेस्टिवल को लेके हो रखी है, जो कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ था, जो मैंने फोटो नहीं लिया ना वीडियो लिया, क्योंकि मुझे ब्लॉग करने का मन नहीं था. पिछले कई दिन से मैंने ब्लॉग किया नहीं था, आज मेरा मन किया ब्लॉग करने का, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है. भाई तो मैंने वही पहना है, पारुल की टी शर्ट. अच्छा फीलिंग हो रहा है, वाह कितनी अच्छी हवा आ रही है, और पीछे बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है ना. चलो चलते हैं, कुलदीप का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पहले, उसके बाद घर जाएंगे. घर जाके शायद मानसी हमें ना मिले, क्योंकि मानसी जा रही है आज घर. थर्सडे को पेपर खत्म हुआ है हमारा, अगले चार दिन हमारा ऐसे ही है, इसलिए मानसी घर चली गई है. वैदे ही उधर है. इसी का वेट कर रही थी मैं, इसलिए खड़ी थी कैमरे को ऐसे लेके. चल शांति से. वो मुच्छड़ देख रहे हो आप? तेरे मुँह से दिखा दे. गाइस मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैं इतने दिन से व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, मेरा मूड भी बहुत ऑफ था एग्जाम्स को लेकर ही. और अभी फिलहाल हमें एफएमएस से चलते चलते हम नए फूड कोर्ट की तरफ आ गए, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, बट स्टिल पता नहीं लोग वहीं क्यों जा रहे हैं. दैट्स ओके, चलो चलते हैं. पारुल में न्यू फूड कोर्ट बन रहा है और स्विमिंग पूल भी बन रहा है भाई साहब हमारे, जाते जाते पारुल और अपग्रेड हो जाएगा. आ जा भाई, चलो. पीने वाला पानी चाहिए, वो भी रखती है वो तो. चल आजा कुलदीप, कुलदीप के चाहने वाले इतने सारे लोग हैं गाइस, देख लो कुलदीप के चाहने वाले इतने सारे लोग हैं. ये भी है उसमें से. ओए ऑटो रिक्शा ये तो उसका बर्थडे है ना, व्लॉगिंग कर. अरे हमको व्लॉग मिले, रुकना तू भी चढ़ ले. किसको सबसे पहले? ये भाई है जिसने आके मटकाई थी डोरेमोन. इसका भी बर्थडे, इसको भी अच्छी जगह बैठ जा, इसका बर्थडे इसका बर्थडे हमें फोटो क्लिक कर देना. तेरा बर्थडे नहीं नहीं अच्छा अभी तो नहीं गाइस. ओए ये व्लॉग नहीं, ये व्लॉग नहीं बनाने का. हट जा तू, हट जा, घर में पिटेगा तू. दही बना ले. ये देखो हाथ धोने का तरीका, देखो ये देखो ये देखो ये देखो. 10 बजे एग्जाम खत्म हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट करते करते 11:30 बजा दिए इन लोगों ने. हेलो गाइस, मैं घर आ गई, और घर आए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है. मैं लेट गई थी, उसके बाद सोचा एक बार ब्लॉग कर लूं, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने. जी हाँ, विदाउट क्लॉथ चेंज किए मैं जा रही हूँ सोने, और सो के उठूंगी तब आपसे मिलूंगी. ठीक है, वैसे मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना ऐसे. मिलती हूँ आपसे जब मैं सो के उठूंगी तब. ठीक है, बाय बाय गाइस. लास्ट जो भी आपने क्लिप देखी वो 20 अप्रैल की थी, और 20 अप्रैल के बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की. रीज़न, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गई, मैं घर पे ही पढ़ी रही मोस्टली. और क्या बोलते हैं उसे, कि इंटरव्यू वगैरह थे मेरे, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ रहा था, तो मैं कोई ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी. इन दिनों में मैं जो भी कर रही थी वो शॉर्ट्स में अपलोड कर दे रही थी, ताकि शॉर्ट्स के थ्रू ही थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाए. अदरवाइज मैंने ब्लॉगिंग करी ही नहीं 20 अप्रैल के बाद. आज 27 अप्रैल को मैं कैमरा उठा के ब्लॉगिंग कर रही हूँ. ओह गॉड, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा. मैंने इतने दिनों में कोई ब्लॉगिंग नहीं की, कोई वीडियो नहीं आ रही. वैसे गाइस पता है, मैं ना कुछ चीज़ें देखी हैं, सुनी है, जिनके वीडियोस देखे मैंने अभी इन 7 दिनों में, और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ वैसा ट्राई करूँ एक बार. एक बार पहले मैं मानसी से पूछूंगी, वो मेरे साथ ये चीज़ ट्राई करेगी या नहीं करेगी. वैसे फटू तो हम दोनों ही हैं, वैसे मैं नहीं हूँ, मतलब मुझे डर लगता है अंदर से, मेरी बहुत फटती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फिर उस डर पर काबू पा लेती हूँ. मुझे लगता है नहीं नहीं ठीक है,
क्या है, मरेंगे ना, मर जाएंगे वो। तो आप अगर जानते हो कि हॉन्टेड नंबर्स क्या होते हैं, उन पे कॉल करना क्या होता है, उनसे जुड़ी स्टोरीज क्या होती हैं, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। जिन्हें नहीं पता है वो जाके एक बार देख लेना, और मैं शायद बहुत जल्दी कॉन्टेंट लेके आऊँगी कि मैं हॉन्टेड नंबर्स पे कॉल करूँगी और देखूँगी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। बहुत लोगों के मैंने वीडियोज़ देखी, भाई साहब सामने से ऐसी वियर्ड वियर्ड क्रीपी आवाज़ आ रही थी, इतना गंदा, डरे हैं ना वो लोग। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, कर मैं ये चीज़ करूँगी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी हॉन्टेड नंबर्स हैं जो फेमस है, टॉप मोस्ट फेमस है, जिनमें कन्फर्म एक रिप्लाई आता ही आता है कुछ नेगेटिव एनर्जी या किसी चीज़ का, वो मैं करूँगा। ठीक है, बाकी फिलहाल आज मुझे कुछ काम करने का, तो मैंने इसका ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। जैसे कि बाहर का जो एरिया है उसमें पूरा झाड़ू लगाना है, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो आपको भी लेके चलती हूँ। एंड देन उसके बाद मुझे करनी है बाथरूम की क्लीनिंग, वहाँ मैं आपको नहीं लेके जाऊँगी। ठीक है, चलो फटाफट क्लीनिंग कर लेते हैं। ब्लॉगिंग करते करते काम करती हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कोई है जिससे मैं बात करते करते काम कर रही हूँ, और अगर ऐसे ही बोरियत की तरह काम करना हो तो कोई काम नहीं हो पाता गाइस। अब पहले मैं झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाऊँ। तैयार में क्या होना है, सिर्फ मुझे मेरा ये क्लच अपने बालों में लगाना है। लगा के आपसे मिलती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद आपसे मिलते हैं। दिख रही है स्वेटिंग, ये झाड़ू लगाने का नतीजा है। अब मैं जा रही हूँ, फटाफट फ्रेश होती हूँ, मस्त नहा धो के बाथरूम क्लीन करके तब आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, मुझे प्लीज बताना हाँ, हॉन्टेड नंबर पे कॉल करूँ या नहीं करूँ। वैसे तो मैंने जितने भी एक्सपीरियंस देखे बहुत डरावने हैं, प्लीज रेकमेंड करना कि मैं वो करूँ या नहीं करूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। हेलो जी, मैं मस्त नहा धो के फ्रेश फील कर रही हूँ और गुड गर्ल बन गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी मुझे खुद को भी नहीं पता। बाय द वे, झाड़ू लगा के और ये सब करके मैं इतना थक गई कि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मतलब दोपहर का टाइम तो कुछ तो खाना बनाना चाहिए था ना, बट मैं कुछ नहीं बना रही, मान से आएगी तो मैं उसी से इडली मंगा लूँगी। मैं मोस्टली इडली खा लेती हूँ, मतलब साउथ इंडियन फूड ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो हेल्दी होता है और वो होता भी है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होती हैं यार सांभर में, इसलिए मैं वही खा लेती हूँ। तो अभी मानसी आएगी, वो लेके आएगी, तो मैं खाऊंगी, खा के सो जाऊंगी, फिर शाम को उठूंगी तो जो करूंगी आपको भी दिखा दूंगी। तब तक इस ब्लॉग में बने रहना, ओके। हेलो गाइस, मानसी की तरह जल्दी 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 खाते एक बार, जल्दी थोड़ा और आ गया ना, इसका आईब्रो इसने बहुत दिन बाद बनवाए या फिर मैंने बहुत दिन बाद देखे, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, एकदम ऐसे मस्त उसका शेप आया है। बाय द वे, मैं उस टाइम ब्लॉगिंग मतलब सो गई थी, फिर ये आई मैडम जी तो इडली आई नहीं, तो मुझे मजबूरी में उठ के बनाना पड़ रहा है। और मैं बना रही हूँ चिंग्स का चाइनीज नूडल्स, जिसके लिए मैंने ये सब देखो सब्जियाँ कट कर ली है, तेल चढ़ा दिया है, ये अपने कुछ चावल वगैरह बना रही है। यहाँ मैंने नूडल्स को बॉयल करके रख लिया है, और अब ये जब बन जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार। चार बज गए, हमने कुछ नहीं खाया, चलो बना लेते हैं। गाइस, मैंने आपसे बोला था ना, मैं मानसी से पूछ के बताऊंगी कि मैं हॉन्टेड नंबर वाली वीडियो ट्राई करूँ कि नहीं करूँ। इस बंदी का तो पहले से ही डेड, मतलब ये नहीं करना चाहती है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे नूडल्स जो हैं, मैंने चिंग्स का हॉट गार्लिक फ्लेवर बनाया है, इसमें मैंने सिर्फ उसी का जो मसाला होता है वही ऐड किया और कुछ भी नहीं, बाकी वेजिटेबल्स जो नॉर्मली हम ऐड करते हैं जो आपके पास वो सब डाल दो। एक नंबर बना है, एक नंबर जिसे कहते हैं, परफेक्ट स्पाइसी, परफेक्ट नमक, सब कुछ एकदम बढ़िया। मैं जा रही हूँ खाने, देख लो एक बार आपको क्या हुआ। जो स्पीड में बोल रहे कि भाई मुझे खाना है, हाँ भूख लगी यार तब से। मैं पता है, अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो ना, तब तक ये प्रॉब्लम जरूरी, खाना रखा हुआ रहेगा, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, बट स्टिल आप नहीं कर पाओगे। गाइस, वैसे थोड़ा मानसी ने तो मना कर दिया, बट आप मुझे बता रहे हैं कि हॉन्टेड नंबर्स पे जो कॉलिंग वगैरह है वो मैं करूँ कि नहीं करूँ। पहले आप खुद जाकर एक बार चेक कर लो कि हॉन्टेड नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, हॉन्टेड नंबर्स एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो एक मैंने स्टोरी सुनी थी कि एक आदमी था, वो शिप पे काम करता था, फिर वो गुफा में गया था किसी, मतलब उनकी शिप ना एक गुफा में गई थी, तो वो शिप तो वापस आ गई पर वो आदमी वहाँ से नहीं आया। लेकिन आज भी जब उस आदमी के नंबर पे कॉल करते हैं ना, कॉल रिसीव होता है ब्रो, और कॉल रिसीव होने के बाद टप टप ऐसे पानी छूने की आवाज़ आती है, और वहाँ से वो आदमी से रोता रहता है, प्लीज प्लीज बचा लो, इंग्लिश में क्रीपी आवाज़ से निकालता है और रोता है वो। ये सब चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं कि मैं इस चीज़ को करूँ कि नहीं करूँ। ठीक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड करने के लिए, बट इसने मना कर दिया, धोखा दे दिया, क्योंकि क्योंकि ये हमेशा रूप से भी मची आवाज़ आ रही है, ये चालू रहती है। अरे अकेले रहो तो ये चीजें होती है, बट ओके ना, उसका इससे क्या लेना देना, हम फिर वो आवाज ही तेरे को सुनाई देगी, फिर वो क्रीपी वाली। नहीं नहीं, आप मुझे बताना ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।
गाने। शाम के 6 बज चुके हैं, नहीं 6:30 बज रहे हैं, और मानसी जस्ट अभी उठ के तृप्ति घर चली गई। अब मैं हूँ अकेले, अब मैं जा रही चाय बनाने। चलो आपको भी लेके चलते हैं, चाय बनाते हैं और पीते हैं चाय। हाँ जी गाइस, तो चाय मेरी बन चुकी है, बर्तन मेरे धुल चुके हैं, और अभी मेरे पास है मेरे वीडियो की कुछ एडिटिंग। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरे को स्वेटिंग की है प्रॉब्लम है। छोड़िए, मैं जा रही हूँ अपने कुछ वीडियोस की एडिटिंग करने। और अगर आप ये वीडियो अभी तक मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ नहीं, अभी आगे जो करूँगी वो दिखाऊँगी एडिटिंग करने के बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो जी, तो शाम को 6:30 बजे चाय में पीने के बाद मैंने वीडियो एडिटिंग की, थोड़ी सी पढ़ाई की, क्योंकि कुछ कुछ असाइनमेंट मिले हैं कॉलेज से, वो करना था, देखना था उससे रिलेटेड, तो वो किया। और अभी बज रहे रात के 9:00 हो रहे हैं, तो मैं अब जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने के लिए। एंड बाय द वे, मैंने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक शॉर्ट अपलोड किया जिसमें मैंने ये बताया कि मैं डेट पे गई थी, और मैं किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी, ये आप उसी शॉर्ट्स में देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जान लीजिए। एंड सेकेंड थिंग कि इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब कुछ दिखाने के लिए है नहीं, अब मैं सिर्फ खाना खाऊंगी सो जाऊंगी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर बिना सब्सक्राइब किए मेरा वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि अब मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाने वाली हूँ जल्दी ही। ओके, एंड बाय द वे, 10 मई से 18 मई तक हमारे सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे 18 मई को। इसका मतलब मेरा MBA का पहला साल कंप्लीट हो चुका होगा, यानी मैं MBA करने वडोदरा आई थी और वडोदरा में आके मुझे एक साल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्दी बीत गया MBA का फर्स्ट ईयर, पता भी नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की बात में, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी की, बट लेट इट बी, छोड़ो उसे। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।